देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर सोनभद्र से। अकूत धन संपदा के साथ भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अलग अलग आक्रमणकारी खजाना लूटते रहे। कभी मुगलों ने खजाने पर नजर गड़ाई तो कभी अंग्रेजों ने लूट को अंजाम दिया। भारत की संपदा अंदाजा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के खनिजों की बड़ी मात्रा में लगाया जा सकता है। कई वर्षों से हो रही खनिज तत्वों की खोज के बीच जमीन के भीतर करीब 12 लाख करोड़ रुपए के छिपे सोने की बात सामने आई है। जिले के कई भूमि भागों को हेलीकॉप्टर से भूभौतिकीय सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में कुछ खास उपकरणों के सहारे सोने का लोकेशन पता लगाया जा रहा है। इन उपकरणों का कुछ भाग हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाया रहता है, जो कि जमीन की सतह से 60 से 80 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। जैसे ही कोई पहला मौका नहीं है जब खनिजों ने इसे बड़े भंडार का पता चला हो। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानों की सिटी ऑफ गोल्ड का दर्जा दिलाती है। अब सोनभद्र की सोन पहाड़ी में बड़ी मात्रा में सोने पूर्व विश्व की निगाहों में चमक उठा है। साल 2018 में एक बार फिर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया खदानों में खनन के दौरान सोने की चट्टानें मिली। इनकी कीमत 80 करोड़ रुपए आकी गई थी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खदानों में फेतरिस्त में सोनभद्र का भी नाम अब पीली चमक में खिल उठा है। अभिलेखों के मुताबिक सोनभद्र में सबसे पहले 1980 के दशक में सोने की खोज की गई थी। इसके बाद अब इस बार कोशिश 1990-92 में की गई। इस दौरान सोने की जंगों को चिन्हित किया गया था। तीसरी और चौथी कोशिश 2005-2012 के बीच की गई। भूभौतिकीय सर्वे के दौरान पता चला कि सोनाचल की पहाड़ी में सोने के साथ लोहा सहित भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे हैं। जिले के कई भूभागों में हेलीकॉप्टर से भूभौतिकीय सर्वे की जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब